नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर मैटिक में। दोस्तों, हमारे जितने भी डीजल कार होती है या फिर डीजल इंजन वाली जो गाड़ियाँ होती है उसमें एक ग्लो प्लग लगा होता है, उसको ही हम हीटर प्लग कहते हैं। तो जितने सिलेंडर की कार है उतने उसमें हीटर प्लग लगे होते हैं। तो जैसे कि 4 सिलेंडर की कार है तो उसमें 4 हीटर प्लग लगे होते हैं, 3 सिलेंडर के तो 3 हीटर प्लग लगे होते हैं, उससे ज़्यादा 6 सिलेंडर वाले हैं तो 6 हीटर प्लग लगे होंगे, मतलब इस सिलेंडर के हिसाब से हीटर प्लग लगे होते हैं। लेकिन कुछ साल बाद वो जो हीटर प्लग है वो ख़राब हो जाते हैं और कुछ सिलेंडर के हीटर प्लग ख़राब होते हैं, सारे सिलेंडर के एक साथ नहीं होते। तो हीटर प्लग ख़राब होने के बाद क्या होता है, जब हम मॉर्निंग में कार स्टार्ट करते हैं तो ब्लैक या फिर वाइट स्मोक देने लगती है और लेट स्टार्ट होने लगती है। स्टार्टिंग जो हम स्टार्टर मारते हैं, स्टार्टर मोटर घुमाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इंजन स्टार्ट होने के लिए। इसके बाद जब स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी तो थोड़ी देर वो वाइब्रेट होते हैं, इंजन ऐसे ऐसे हिलने लगता है। तो ये जो ग्लो प्लग है ये बहुत सी बार वीक भी हो जाते हैं। तो वीक होने के बाद ये अंदर चेक लाइट नहीं आती या फिर स्कैनर पे उसका फॉल्ट नहीं दिखाते, उसके लिए हमें ये मैन्युअली चेक करने पड़ते हैं। तो ये जो ग्लो प्लग है या फिर हीटर प्लग है ये मैन्युअली किस तरह चेक करते हैं और रिप्लेस करते हैं, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये मारुति सुजुकी सियाज कार है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये 4 हीटर प्लग लगे होते, कुछ इस तरह दिखते हैं हीटर प्लग। और जितनी भी डीजल्स कार है उनमें, मोस्टली जो डीजल्स कार है उनमें तो हीटर प्लग आपको मिलेंगे ही, ठीक है। तो ये हीटर प्लग के सबसे पहले आपको कपलर निकाल देने हैं, ठीक है। तो चारों हीटर प्लग के मैं कपलर निकाल देता हूँ और कपलर निकालने के बाद आपको मैं चेक कैसे किया जाता है ये दिखाता हूँ। तो हीटर प्लग जो मैनुअल चेक करने के लिए या फिर देसी तरीका आप बोल सकते हैं हीटर प्लग चेक करने का, लेकिन ये जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें हीटर प्लग अगर वीक भी हो गया है तो भी पता चलता है, ठीक है। इसके लिए आप 35-35 या फिर 50x60 वाट का जो हेडलाइट का बल्ब आता है हमारे कार में या फिर बाइक में वो ले सकते हो। उसके जो दो सामने सामने वाले पिंस है उसमें आपको इस तरह वायर अटैच करके लेना है, ठीक है। तो ये मैंने वायर ऑलरेडी अटैच कर लिए, ठीक है। इसमें दो वायर आएंगे, एक जो वायर है मुझे बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें लगा देनी है, ठीक है। तो ये लगा दी मैंने। इसके बाद आप देखोगे ग्राउंड पे या फिर बॉडी पे किधर भी टच करोगे तो ये जो बल्ब है ये जलने लगेगा। तो हीटर प्लग के सारे कपलर्स हमने हटा दिया। कपलर्स हटा देने के बाद इस तरह आपको ये ग्लो प्लग या फिर हीटर प्लग है वो दिखाई देगा। जितनी भी कार से डीजल सिर्फ देखने को ऐसे ही दिखेंगे, फ़र्क होता है उनमें, लेकिन कनेक्टर इस तरह ही दिखते हैं आपको जितने भी डीजल कार है उनमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक वायर तो हमने बैटरी को लगा दी और जो दूसरी वायर है बल्ब की वही देखो ये मेरे हाथ में। सबसे पहले जो इंजन का ग्राउंड है या फिर बॉडी का ग्राउंड है उस पर टच करके आपको चेक करनी है बल्ब हमारा जल रहा है क्या, ठीक है। तो बल्ब हमारा जल रहा है, ठीक है। तो अभी एक एक हीटर प्लग है, ये 3 नंबर का हीटर प्लग है उसमें मैं टच करता हूँ। ये जो पॉइंट है ऊपर का उस पर ही टच करना है, ये देखो। या ऐसा बल्ब जलना चाहिए एकदम फुल जलना चाहिए, अगर डिम जलता है तो आपको समझ जाना है कि जो ये हीटर प्लग है ये वीक हो गया, वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इस तरह परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा फुल एकदम जलना चाहिए। ये 3 नंबर का हुआ, 4 नंबर का दिखाता हूँ आपको, ये 4 नंबर का हुआ। अभी 2 नंबर का दिखाता हूँ, ये देखो ये 2 नंबर के में मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी 1 नंबर का देखते हैं, देखो 1 नंबर का ही प्रॉपर है और जो हमारा बल्ब है एकदम फुल जल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे हीटर प्लग है 4, उसमें से एक जो है 2 नंबर का हीटर प्लग वो पूरी तरह ख़राब हो गया है, ठीक है। तो वीक हो गया तो भी आपको पता चलेगा जो बल्ब है वो डिम जलेगा, ठीक है। तो इस कार में भी थोड़ा प्रॉब्लम था, स्टार्ट थोड़ी लेट होती थी और स्टार्ट करने के बाद एग्जॉस्ट से वाइट और ब्लैक स्मोक निकलता था, इसके बाद थोड़ी हिलती थी चालू करने के बाद 1-1.5 मिनट। तो यही प्रॉब्लम हमें एकदम प्रॉपरली मिल गया। फिर से आपको चेक कराता हूँ, 1 नंबर का देखो, 1 नंबर का जल रहा है। अभी 2 नंबर का दिखाता हूँ, 2 नंबर का देखो ज़रा भी जल नहीं रहा है। 3 नंबर का दिखाता हूँ, ओके देखो 3 नंबर का भी ओके और 4 नंबर का भी ओके, ठीक है। तो अभी 2 नंबर का हीटर प्लग हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो ग्लो प्लग है या फिर हीटर प्लग है ये हमने बुड़मू से मंगाया और कुछ 4 दिन के अंदर मुझे ये डिलीवर हो गया है, ठीक है। तो ये इसकी जो प्राइस मुझे पड़ी है ये 514 रुपये में मुझे मिल गया और ओरिजिनल बॉश का है। तो बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे आपकी कार किसी भी कंपनी की कोई भी मॉडल कौन सी भी कार हो तो आप जितने भी उसमें स्पेयर लगते हैं या फिर ऑयल लगता है, कूलेंट लगता है, जो भी कार को लगता है वो सब इस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे मंगा सकते हो। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि आपने जो भी पार्ट मंगाया है वो बैठ नहीं रहा है या फिर आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन का इनका एश्योर्ड रिटर्न रहता है। इसके बाद आप कार के जो OEM कैटलॉग है, कौन सा पार्ट किधर लगता है, कैसे लगता है,
कैसे उसकी फिटिंग है ये सब देख सकते हो, या फिर पार्ट नंबर से भी आप सर्च कर सकते हो। इनका कुछ पार्ट पे कभी कभी डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा होता है, तो उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है बुडमो के, वहाँ से जाके आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेबसाइट भी की भी लिंक दे रखी है, उस पर आप जाके आपको जो भी स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट है वो चेक कर सकते हो। तो अभी इसको मैं बाहर निकालता हूँ, ठीक है। तो ये इसका पैकेट मैंने फेंक दिया बाहर, उसके बाद ये हमारा हीटर है, ठीक है। ये देखो ओरिजिनल 616 रुपये इसकी MRP है। आप दुकान से भी या फिर लोकल में किधर से भी खरीदते हो तो आपको MRP टू MRP ही मिलेगा, लेकिन मुझे देखो कितनी कम प्राइस में घर बैठे बैठे मिल गया, ठीक है। और एकदम जेन्यून होता है, इसकी फुल गारंटी रहती है बुडमो पे, ठीक है। तो अभी हमारा जो पॉल्टी हीटर प्लग था या फिर ग्लो प्लग था दो नंबर का, ठीक है, उसको निकालना है। और हीटर प्लग निकालते समय भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत सी बार टूटे तो ईजीली आपको ये इस तरह मतलब लूज टाइट करना है पहली बार, ठीक है, फ्री करके लेना है और आपको निकालना है तो ईजीली निकल जाता है। तो ये कार ज़्यादा पुरानी नहीं है इसलिए एकदम प्रॉपरली निकल आया। अगर पुरानी कार होती है 10-12 साल की तो आपको WD-40 स्प्रे का वगैरह इसमें यूज़ करना है, और पहले स्प्रे मार के रखना है और 2-3 घंटे बाद ही आपको इसको खोलना है, नहीं तो अगर अंदर सीज हो जाता है और टर्नर को बुला करने के बाद ही वो निकलता है, ठीक है। ये हमारा जो पुराना ग्लोब लगे ये अभी निकल रहा है, ये देखो ये हमारा जो पुराना वाला पॉल्टी ग्लोब था वो है, ठीक है। अभी चेक करते हैं दोनों सेम है क्या, ये देखो ये दोनों ग्लोब लग एकदम सेम टू सेम है। और अभी ये हमारा जो नया वाला ग्लोब लगे वो मैं लगा देता हूँ इधर और इसको टाइट कर देता हूँ। अभी देखो जो ग्लोब लग है या फिर हीटर प्लग है एकदम प्रॉपरली लग गया है। अभी चेक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, जो सारे हीटर प्लग थे या फिर ग्लोब प्लग थे एकदम प्रॉपरली है। अभी मैं कपलर निकाल लगा लेता हूँ और आपको कार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी जो उनके कपलर्स वगैरह है कनेक्टर से वो लगा दिए सारे, ठीक है। अभी हम कार स्टार्ट करके देखते हैं। तो कार एकदम प्रॉपरली स्टार्ट हो रही है और एकदम हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से कौन सी भी डीजल कार हो उसके हीटर प्लग आप एकदम इजीली चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है और वीडियो में जो मैंने हीटर प्लग चेक करने का तरीका बताया वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी नई नई वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।